यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या सौ बार शुक्रिया 100 बार शुक्रिया 1,000,000,000 बार शुक्रिया तुम जैसे चूड़ियों का सहारा है लो, तुम जैसे चूड़ियों। सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपने इस मैच में देख ही लिया होगा कि मैं कैसे बार बार मर जा रहा था क्योंकि मेरा पिंग अच्छा नहीं चल रहा था। और यहाँ पे मैं अपना पिंग उसे सही करता हूँ और इतनी देर में यहाँ पे मेरे तीनों बंदे अभी डाउन हो जाएंगे। अभी देखना आप, तो यहाँ पे वो तीनों मर जाते हैं तो यहाँ पे मैं फंस जाता हूँ और मैं उनको करता हूँ रिवाइव बट वो मर जाते हैं। और उसके बाद मैं इस साइड आ जाता हूँ यहाँ पे क्योंकि जोन भी आ चुका था। और यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है तो मैं उसे काम आऊँ क्योंकि गोली मारता हूँ, दो गोली, तीसरी गोली में बंदा हो जाता है डाउन। उसके बाद जोन जो कि काफ़ी डैमेज कर रहा था इसलिए मैं यहाँ से राइट ले लेता हूँ, और राइट इसलिए लेता हूँ क्योंकि लेफ्ट में वहाँ पे बंदे थे। और यहाँ पे मैं प्रोन हो जाता हूँ वो इसलिए क्योंकि कोई बंदा मुझे देख ना पाए और मैं अपनी मीडी लगा लेता हूँ। उसके बाद तुम्हारा भाई जोन में जाने के लिए रोटी ले लेता है क्योंकि मुझे पता था कि ऊपर विमान शक्ति में तो बंदे थे ही थे और ऊपर टावर भी हैं रोड के सामने तो वहाँ भी बंदे होंगे। उसके बाद मैं यहाँ से जोन का रोटेशन लेते लेते और क्लॉक टावर से और इस पत्थर के सामने आ जाता हूँ जो कि फैक्ट्री के बगल में है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करता हूँ कि किस साइड मुझे जाना है, किस साइड बंदे हो सकते हैं, किस साइड नहीं हो सकते। उसके बाद तुम्हारा भाई जोन से फिर एक बार रोटेशन लेते हुए इस साइड आ जाता है क्योंकि यहाँ पे मुझे एक परमानेंट कवर भी मिल रहा था। और मैं आगे जाता हूँ क्योंकि पीछे से जोन भी आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे बंदा एक किल करता है तो मैं समझ जाता हूँ कि बंदा उस साइड है क्योंकि उस साइड मार्क भी आ रहा है। उसके बाद मैं एक बंदे को देखता हूँ तो मैं उसे डैमेज देता हूँ बट वो ग्लू लगा लेता है। और उतनी देर में मैं स्काइलर फेंक देता हूँ और जैसे ही उसका ग्लू फूटता है तो मैं उसे डाउन करके पूरा किल भी कर लेता हूँ क्योंकि रैंक मैच में किल की बहुत ज़रूरत होती है रैंक प्लस करने के लिए। उसका एक बंदा यहाँ पे मीडी लगाता है या लूट रहा होता है, उतने देर में मैं उसे पूरा किल कर लेता हूँ। और एक बंदा उस साइड था तो वो मुझे डैमेज दे रहा था, वो BSS एक्स चला रहा था तो मैं एक ग्लू लगा लेता हूँ, उससे मुझे HP भी मिल जाती है। अब हम यहाँ पे टोटल 3 बंदे अलाइव रहते हैं और एक बंदा रहता है मेरे फ्रंट में। और दूसरे बंदे की मुझे फुट स्टेप्स आती है और मुझे लगता है कि वो पीछे की साइड है तो मैं एक ग्लू लगा लेता हूँ और उसका वेट करता हूँ कि कब वो ग्लू से बाहर निकले, जोन की साइड को आए तो कब मैं उसे K98 से मार दूँ। अब टोटल यहाँ पे बच जाते हैं 2 बंदे। मेरे पास थे 2 ग्रेनेड और बंदा था इसके पीछे तो मैं एक नेट राइट साइड और एक नेट लेफ्ट साइड फेंकता हूँ। लेफ्ट साइड से वो मर जाता है, हो जाता हमारा बूया।